केपलर का सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। केपलर का सेकेंड लॉ, उसने ये बताया कि चलो ठीक है अर्थ जो है वो कैसे घूम रही है, वो इलिप्स में घूम रही है, मान गए। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर मान लो अर्थ इस ऑर्बिट में घूम रही है, अर्थ मान लो पहले यहां पे थी, मैंने देखा टी टाइम के बाद अर्थ घूमती 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 यहां पे आ गई, ठीक है, कुछ समय बाद यहां पे आ गई, तो अर्थ ने कुछ एरिया स्वीप किया। एरिया स्वीप का मतलब यहां से अर्थ घूम के यहां पे आ गई। एरिया मतलब सन के साथ अब एक लाइन जोड़ो अर्थ की, इमेजिन करो अर्थ और सन कनेक्टेड है और जब अर्थ घूम रही है मेरा हाथ घूम रहा है, तो मैंने कितना एरिया स्वीप किया, ये अर्थ का एरिया स्वेप्ट है। तो एरिया स्वेप्ट में शेड कर देता हूं, ये आपका एरिया स्वेप्ट है, ये रहा, इतना एरिया उसने स्वीप कर दिया सन को एक्सेस मानते हुए, ठीक है कर दिया। अब अर्थ घूम के अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेगी, यहां आएगी, यहां आएगी, फिर यहां पे आएगी। मैंने फिर टी टाइम के बाद नोट किया अर्थ यहां से घूम के टी टाइम में यहां दिखी गई, यहां दिखी टी टाइम में, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा नजदीक है, वो रास्ता दूर था, तो टी टाइम में काफी डिस्टेंस उसने आर्क कवर कर लिया। और एरिया स्वेप्ट अगर मैं पूछूं कितना हुआ, तो एरिया स्वेप्ट इतना हुआ, देखो यहां से लेके यहां तक मैं शेड कर देता हूं, ये एरिया स्वेप्ट हुआ ऐसे ऐसे। केपलर ने ये बता दिया कि एरिया स्वेप्ट टी टाइम में सेम रहेगा अर्थ का, ये रहा सेम है। तो तुम टी टाइम का इंटरवल लो, अर्थ की जहां मर्जी लोकेशन ले लो, जितना भी वो एरिया टी टाइम में स्वीप करेगी, चाहे यहां से करे, चाहे यहां आके करे, चाहे यहां, वो सेम रहेगा। यानी कि कितना एरिया उसने स्वीप किया और कितने टाइम में किया, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। एरिया ज्यादा किया टाइम ज्यादा लेगी, लेकिन ये कॉन्स्टेंट रहेगी। और इस वेलोसिटी का नाम उसने नाम दिया, दिस इज नोन एज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। नॉर्मली हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेते हैं, इसने क्या लिया, एरिया बाय टाइम। तो एरिया बाय टाइम लिया, तो मान लो डी ए एरिया कवर हो गया किसी भी इंस्टेंट पर इन टाइम डी टी, तो दिस इज नोन एज एरियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और याद रखना एरिया भी एक वेक्टर है। हमने आज तक एरिया को वेक्टर लिया नहीं, बट कुछ अब फिजिक्स के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एरिया वेक्टर लेना पड़ता है। कोई पूछता है कि अगर एरिया वेक्टर है तो इस शीट का एरिया बोलो कहाँ है, इसका एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये रूल है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है, ये एरिया। अब दीवार का एरिया कहाँ पर है, अब मैथ्स में मत लगाना, मैथ लगाएगा कि एरिया निकालना सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आपको सर इसका डायरेक्शन क्या है, वहां नहीं चाहिए, एप्लीकेशन ही चाहिए। फिजिक्स में कुछ चीजें हैं जहां पर एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, तुम एरिया को स्केलर लेके वेलोसिटी का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट खराब नहीं कर सकते ना वेक्टर। और एक और रीजन है एरिया वेक्टर होने का, यहां पर क्यों लिया, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि एरिया वेक्टर क्यों है। हमें डायरेक्शन सीखनी पड़ेंगे एंगुलर मोमेंटम की, जो हमेशा आउट ऑफ प्लेन आती हैं, बाहर को आती हैं, बताता हूं कैसे। बट ये पॉइंट क्लियर है, केपलर का सेकेंड लॉ क्लियर है, क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। तो ये आपके सामने है, ये रहा आपका एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और ये रूल है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेंगे इसके। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है केपलर का लॉ ना, ग्रेविटेशन में भी और रोटेशन में भी है। तो मैंने क्या किया हुआ है, जितना रोटेशन के अंदर चाहिए वो अभी हम रोटेशन में कर रहे हैं, बाकी ग्रेविटेशन में चाहिए वो ग्रेविटेशन में करेंगे, आधे तोड़ के करेंगे। तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, केपलर का सेकेंड लॉ हमने करना है जो रोटेशनल के ऊपर बेस्ड है। थर्ड लॉ भी है एक, वो भी बताता हूँ, बट थर्ड लॉ से पहले, चलो थर्ड लॉ पहले बता ही देता हूँ, उसकी बात करते हैं। ये लॉ